आते हैं ऐसी वीडियोस देखकर, लिटरली वो क्या कमाल की वीडियो होती है, बहुत बहुत इंतहाई खूबसूरत वीडियो। जिस तरह से विराट कोहली ने बंदे मातरम पे विराट कोहली हार्दिक पांड्या इंडियन क्रिकेट टीम का वेलकम देखा है, पंत के एरिया में जश्न देखा है, कोहली कोहली के वहां पे नारे लग रहे हैं, मतलब सेलिब्रेशन देखा है, और आप मुंबई में जो सीन्स मैंने देखे हैं ना, इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में किसी टीम का इस तरह से वेलकम मैंने नहीं देखा है। कपिल जी, आपने सुना होगा पुलिस कम पड़ रही है, भीड़ बहुत ज्यादा है। ये आवाज और तस्वीर दिखा रही हूँ, ये क्रिकेट स्टेडियम की आवाज नहीं है, ये मुंबई की सड़कें हैं जहां पर कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही। और बड़े पैमाने पे इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो ग्लोबल लेवल पर उन्होंने बढ़ाया, इंडिया का कॉन्फिडेंस ग्लोबल लेवल पे बढ़ाया इसे बहुत ज्यादा। गूज़बम्स आ रहे हैं वीडियोस देखकर, और इतनी कमाल की, इतनी खूबसूरत वीडियोस हैं कि आप एक बार देखेंगे तो दिल नहीं भरेगा, बार बार देखने का दिल कर रहा है। जिस तरह से विराट कोहली, रोहित शर्मा, पूरी इंडियन टीम के चेहरों पर जो खुशी है और जो फैंस एंजॉय कर रहे हैं, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब आप ये चीज देखें कि उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सुबह से मौजूद है मरीन ड्राइव पर, वो इंतजार में थे कि टीम इंडिया यहाँ से गुजरेगी, वो अपनी टीम को देखेंगे, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को देखेंगे, फिर उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम के जो सीन्स थे, वंदे मातरम जो एक साथ पड़ा, मतलब गूज़बम्स आते हैं ऐसी वीडियोस देखकर, लिटरली वो क्या कमाल की वीडियो थी, बहुत बहुत इंतहाई खूबसूरत वीडियो। मैंने इतनी खूबसूरत वीडियो नहीं देखी गाइज, 2024 की सबसे खूबसूरत वीडियो ये होगी, आप मेरी बात लिख लो, क्योंकि इतनी कमाल की वो वीडियो है। विराट कोहली जिस तरह से आगे लीड कर रहे हो, विराट की एनर्जी, पूरी इंडियन टीम की एनर्जी आज अलग ही नजर आ रही है। आप देखिए सुबह से बिजी है, सुबह से कभी कहीं फ्लाइट चेंज कर रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स का चेहरा आपको देख के लगेगा नहीं कि कोई थकान है, बिकॉज वो जो फैंस का जोश है, फैंस की जो खुशी है, जो प्यार उन्हें मिल रहा है, जो सपोर्ट उनको मिल रहा है, वो बिल्कुल भी फील नहीं होने दे रहा, और टीम इंडिया का हर प्लेयर आपको फ्रेश नजर आ रहा है। तो बहुत कमाल के सीन्स हैं, और इतना प्यार ये टीम डिजर्व करती थी, इतनी रिस्पेक्ट, इतना सपोर्ट ये टीम डिजर्व करती थी। टीम इंडिया को ऐसा वेलकम नहीं मिलता तो फिर किसको मिलता। मुंबई में जो सीन्स मैंने देखे है ना, इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में किसी टीम का इस तरह से वेलकम मैंने नहीं देखा है। इससे पहले मैंने किसी भी कंट्री में इतने ज्यादा लोग सिर्फ एक टीम का वेलकम करने के लिए निकलते हुए नहीं देखे हैं। जो आज हो रहा है ना मुंबई में इस टाइम, और जो वानखेड़े में होने जा रहा है, शायद ही इससे पहले कहीं पर ऐसा हुआ हो। आपको मालूम है इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीत के आई है भाई साहब, और पहले जो है इंडिया का दिल्ली में बहुत ही जो शानदार किस्म का जो वेलकम किया गया, और उसके बाद इंडिया की टीम पीएम मोदी के साथ मुलाकात हुई है, और फिर आगे अगर चलें तो मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर जो इनका वेलकम किया गया है ना भाई साहब, लाखों लोग जो बाहर मौजूद थे वहां पर, और इस टीम का जो वेलकम किया गया है ना, वो इनके मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। उसके बाद जब टीम इंडिया वहां से जो आगे आई तो मरीन ड्राइव में भाई साहब लोगों का समुंदर आया हुआ है, अगर ये कहा जाए ना कुछ कम नहीं होगा। रोड पे कोई जो है वो आप ये कह सकते हैं किसी चुंटी के खड़े होने की जगह नजर नहीं आ रही थी, इतने ज्यादा लोग कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सीरियसली मुझे समझ में नहीं आती कि हमारे क्रिकेटर्स इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं, मतलब आप लंदन प्रीमियर लीग में की गई हैट्रिक की पिक्चर अपडेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम आपको शाबाश देगी। इंडियन क्रिकेट टीम का वेलकम देखा है, पंत के एरिया में जश्न देखा है, कोहली कोहली के वहां पे नारे लग रहे हैं, मतलब सेलिब्रेशन देखा है, और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं लंकन प्रीमियर लीग में बनाई हुई अपनी हैट्रिक की, मतलब एक्सक्यूज मी, यू आर प्लेइंग विद आवर इमोशन। पाकिस्तानी अवाम के इमोशंस के साथ तो मत खेलें, हैव सम सेंसेस। आप लोगों को वाकई एजुकेशन की जरूरत है, मतलब आप लोगों को शायद साइकेट्रिस्ट की भी जरूरत है, आप लोगों को एजुकेशन की भी जरूरत है। हु केयर्स
किसको परवाह है कि आप लंकन प्रीमियर लीग में 200 रन करें, 100 रन करें या 1000 रन करें। वी डोंट केयर एज पाकिस्तानी, वी डोंट केयर अंटिल एंड अनलेस आप हमारे मुल्क के लिए कुछ काम करके ना आ जाए। मतलब शादाब खान को बुरी तरीके से ट्रोल किया गया है। ये वो ऑप्टिक्स हैं जो पाकिस्तान को चाहिए थे। जितना पाकिस्तान पॉलिटिकली इकोनॉमिकली डिवाइडेड है, ये ऑप्टिक्स पाकिस्तान को चाहिए थे। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम जो खेली है, वो जारी बात है अपने मुल्क के लिए खेले हैं, वो अपने लिए खेले हैं। और ये देख के एक चीज पता चलती है कि अगर कमिटमेंट हो, मिशन आपके पास हो, डेडिकेटेड आप हों और आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो, तो देन ये आपको जो ऑप्टिक्स हैं नजर आते हैं, जो कि इंडिया की आपको जैसे कहते हैं ना क्रिकेट स्क्रीन पे, वो टीवी स्क्रीन पे नजर आएंगे, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना इवन के, जिसे वो मुंबई के जो कमिश्नर हैं, उनकी कमिश्नर पुलिस कमिश्नर का देख रहा था, ठीक है जी, और वो सायरन बजा रहे हैं, लोगों को पीछे कर रहे हैं, ट्रैफिक जो है वो बंद हो गई है, और ये जो क्रिकेट टीम वहाँ पे आई है, इंडिया की हुकूमत ने भी वेलकम किया, वज़ीर आज़म ने भी वेलकम किया, और बड़े पैमाने पे इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो ग्लोबल लेवल पर उन्होंने बढ़ाया। इंडिया का कॉन्फिडेंस ग्लोबल लेवल पे बढ़ा इससे बहुत ज़्यादा। अगर आप ये समझें कि कभी, जिसे वो कहते हैं ना कि काफ़ी सालों के बाद इंडिया ये जीता है, ये क्रिकेट मैच जीता है और क्रिकेट वर्ल्ड जो है ना वर्ल्ड कप जीता है T20 का, बहुत बड़ी बात है। ये मैं चीज़ समझता हूँ, ये ऑप्टिक्स अगर पाकिस्तान में होते, कई लोग कहते हैं जी आप, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये लेसन है, ठीक है जी। लेसन क्या है कि आप मेहनत करें। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए लेसन ये है कि अपनी सियासत खत्म करें। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए लेसन ये है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो अपनी जात से बाहर निकल के खेलें। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को राहुल द्रविड़ जैसे कोचेस जो हैं वो पैदा करने पड़ेंगे, जो मुल्क के लिए इतनी अच्छी प्लानिंग कर रहे हो। आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जिसे कहते हैं ना धोनी जैसे प्लेयर लेके आने हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जिसे कहते हैं ना कोहली जैसे प्लेयर्स लेके आने हैं, ये प्लेयर्स होंगे, ये लोग मौजूद होंगे, तो देन आप जो है वो वाकई लगता है कि शायद पाकिस्तान एक दिन अपना मुकाम पैदा कर सकता है। लतीफ ने कहा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को भारत के स्टार प्लेयर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा से कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने बैटिंग के अंदाज को बहुत बदला।